You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermasterchannel. Welcome to my channel. मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम youtube.com/mdmudassiralam पर मैं आपके साथ CUET 2022 के लगातार अपडेट्स लगातार जानकारी शेयर करता रहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही साथ कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले CUET की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं cuet.samarth.ac.in, यहां पे आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिलती है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो को प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पेज को देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट कर ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन। बी ऑनर्स इन जर्मन स्टडीज, दीज आर द डोमेन सब्जेक्ट, के डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश चूज करना है। सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट, बी ऑनर्स चाइनीज के लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना है। 5 ईयर इंटीग्रेट डुअल डिग्री एमए बीएमए इन सोशल मैनेजमेंट के लिए आपको लैंग्वेजेस इंग्लिश चूज करना और जनरल टेस्ट 10+2 और इक्विवेलेंट डिसिबिलिटी। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का फॉर्म भरा है तो आप ऑटोमेटिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मैं आपको याद दिला दूं, एक ही फीस से दोनों यूनिवर्सिटी का काम चल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, उसे आप डाउनलोड कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि CUET के रिगार्डिंग कोई भी नई जानकारी मैं चैनल पर अपलोड करूं तो उसे आप मिस ना कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।